तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आज दोबारा से स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में, जो कि है हमारी मूवी वेबसाइट को लेके, जो कि अभी तक हमारी सीरीज़ चल रही है, कंटिन्यू हो रखी है, उसी सीरीज़ को लेके ये भी वीडियो है। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम पोस्ट कैसे काउंट कर सकते हैं कैटेगरी के बेस में, मतलब एक पोस्ट में, मतलब एक कैटेगरी में कितनी पोस्ट है ये हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो ये इसका एग्जांपल ये है, तो आप देख सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, इसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले वीडियो आई होप आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। आई होप कि आपको ज़्यादा अच्छे समझ है। इस वीडियो में हम कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसमें हमें दो कंटेंट करने हैं। क्या हमें इस बार जेनरा वाला करना है, जेनरा में हमारी जेनर आईडी और कैटेगरी आईडी सिर्फ इतना है, लेकिन हमें इधर दो चीज़ें करनी है। पहली, इस जेनरा में कितनी कैटेगरी है, और उस क्या कहते हैं, इस जेनरा में टोटल कितनी मूवी है। तो हमें दो चीज़ें काउंट करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल अभी तक मैंने कोई क्वेरी ऑलरेडी नहीं बनाई है, तो इसलिए हो सकता है एरर्स आपको दिखें। तो सबसे पहले चलते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट पे, और उसमें हम क्वेरी बना के देखें हम। तो विंडो आर करता हूँ मैं, हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ करी थी, आई होप आपको पता होगा ये चीज़ कि कमांड प्रॉम्प्ट से हम कैसे क्वेरीज वगैरह लिख सकते हैं, कैसे एसक्यूएल रन कर सकते हैं अगर हमें डाटाबेस में कुछ चेक करना है। तो देन सी डी जैम वन, एंड देन उसके बाद माई एस क्यू एल, देन सी डी बिन, देन माई एस क्यू एल डॉट ई एक्स ई, उसके बाद हाइफन यू मीन्स यूज़र, यूज़र हमारा रूट, हाइफन हाइफन पासवर्ड। तो देन पासवर्ड हमारा कुछ नहीं है, तो हम आ गए डाटाबेस में, एस क्यू एल में सॉरी। देन यूज़ क्रॉस सिनेमा, जो कि हमारा डाटाबेस है, तो डाटाबेस चेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ क्वेरी लिखने, क्या हमें देखने कि इसकी हमें कैटेगरी आईडी मैच करानी है। पहले हम कैटेगरी निकालेंगे इधर बेसिकली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कैट आईडी है वही चीज़ जो हमने लास्ट में करा था, बस ये जेनरा नेम में हम कैटेगरी आईडी मैच करा के देखें। वो कहते हैं हम जो जेनरा की प्राइमरी आईडी है, मतलब फॉर हाँ ओके प्राइमरी आईडी है, जो प्राइमरी की है उसको, और कैटेगरी आईडी की कैट आईडी को, सॉरी कैटेगरी आईडी की प्राइमरी आईडी को, और जेनर की ये फॉरेन की को, जो हमारी ये है फॉरेन की, तो इस दोनों को हम मैच करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट काउंट, हमें सब कुछ काउंट करना है कहाँ से, फ्रॉम कैटेगरी एंड जेनरा, वेयर जेनरा की ओके कैटेगरी की प्राइमरी आईडी, कैटेगरी डॉट आईडी इज इक्वल टू जेनरा डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर तक, ये देख सेकेंड इसका फील्ड नेम देखते हैं, जेनरा वाले में चलते हैं, जेनरा लिस्ट सॉरी। तो इसमें था कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, ओके कैटेगरी अंडर स्कोर आई डी वेयर। अब हमें क्या देखना है, हमने अभी तक क्या करा है, इधर देखा है हमने कि काउंट फंक्शन रन करा, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम कैटेगरी और जेनरा में से काउंट करो, क्या काउंट करो यहाँ पर, कैटेगरी आई डी और जेनरा की कैटेगरी आई डी, जेनरा की कैटेगरी आई डी और कैटेगरी की प्राइमरी आई डी सेम है। और अब हमें इधर फेच कराना है हमें क्या, इसका नाम, तो हम इसके नाम पे बेस पे भी कर सकते हैं और आई डी के बेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आईडी के बेस पे करते हैं, जो कि हम पीएचपी में यूज़ करने वाले हैं इसलिए। तो वेयर जेनरा डॉट आईडी, इसकी प्राइमरी आईडी इज इक्वल टू है 1K, तो ये रन करके दो। इधर हमारे पास कुछ एरर आया क्या, वेयर जेनरा डॉट आईडी इज इक्वल टू 1, ओके तो देखते हैं इधर जेनरा एक बार नेम से करके देखें। तो ओके हम ये इसलिए आया है हमारे, ये ठीक है हमने वेयर लगा दिया इधर, बट इधर आना था एंड, ठीक है देन एंड करेंगे। तो एक आ रहा है अभी, एक क्यों आ रहा है, एक बार हम डाटाबेस चेक करते हैं कि हमारे सही है या नहीं। इसमें कि हमारी जो जेनरा आईडी है वो कैटेगरी में 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इधर,
कैटेगरी। तो आई मे बी मैंने यहाँ एक और मिस्टेक करी कि कैटेगरी आईडी में जेनरा नहीं ऐड करा है। देख लेते हैं एक बार, पीएचपी माय एडमिन, अगर मैंने इसमें जेनरा नहीं ऐड करा तो मेरे को एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी जेनरा आईडी से, और उसमें मैनुअली आईडी इंसर्ट करानी पड़ेगी। ये थोड़ा हैंग कर रहा, काफी मतलब स्लो चलने लग गया पीछे से, विंडो चेंज करी है, वेट करना पड़ेगा। ओके, देन कैटेगरी में जाना था हमें। तो इधर हमने जेनरा आईडी ओके नहीं ऐड करा, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बेसिकली हमें एक और चीज करनी थी, जो हमने इसमें ये पोस्ट वाला दिया था ना, नंबर ऑफ पोस्ट, इसका हमारा कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसी को, एक सेकेंड, एडिट करना था मेरे को, मे बी इससे हो जाए। ओके, स्ट्रक्चर में चलते हैं। तो मैं इस पोस्ट की जगह क्या करता हूँ, जेनरा आईडी डाल देता हूँ, जिससे हम उसकी आईडी मैच करा सकते हैं। तो हमने इधर क्या डाला था, ये जो पोस्टेबल, तो इसको एडिट कर देते हैं हम। इट्स लाइक काउंट फ्रॉम कैटेगरी इन जनरल, वेयर जनरल आईडी कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू जनरल आईडी, बट ये हमने मे बी शायद हमने क्वेरी भी गलत लिखी है, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने इधर इसको बिल्कुल मैच नहीं कराया था टेबल को। तो एक बार वो भी फिक्स कर लेते हैं हम। जेन अंडरस्कोर आईडी और बाकी सब ऐसे ही एज इट इज सेम रखना है, लेकिन ये जब सेव हो जाएगा इसके बाद हमें कुछ और चेंजेस करने होंगे उधर जहाँ हमारी पोस्ट है। तो उधर क्या करना है हमें, ब्राउज करना पहले तो इधर। और इधर जो हमने 00 लिखा है, इधर हम 1 लिख देते हैं सब में, ठीक है। 1 ओके, तो अभी हमारे पास जेंडर सिर्फ एक है। तो अब दोबारा हम क्वेरी बनाते हैं, पहले इस क्वेरी को रन करते हैं, अगर हमारा 3 आ गया तो इट्स मीन हमारी क्वेरी सही रन कर रही है, अगर नहीं आया तो इट्स मीन हमारी क्वेरी में दिक्कत है। तो ये भी 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारी क्वेरी में ही दिक्कत है, ठीक है। तो हम दोबारा क्वेरी बनाते हैं। अब सिलेक्ट काउंट फ्रॉम कैटेगरी सी टी ई एंड जेनरा, वेयर कैटेगरी डॉट, हाँ ओके, इस बार ठीक जा रहा है हमारा, क्योंकि पहले हमने कैटेगरी के आईडी को भी मैच कराया था, तो इधर कैटेगरी में वो जेनरा को ले रहा था, तो वो गलत ले रहा था, जो हमें चाहिए नहीं। जेन कैटेगरी की जेनरा अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू हो अगर जेनरा की आईडी से, मतलब जेनरा की प्राइमरी की से, तो क्या करे, और जेनरा की जो आईडी है अगर 1 है, जेनरा डॉट आईडी, अगर उसकी आईडी 1 है तो बताए, क्योंकि आईडी 1 जो है हमारी बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड में जितनी भी हमारी कैटेगरी है तो वो फाइंड करके दे दे हमें। तो इसका आउटपुट में भी 3 आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर देखते हैं क्या रहा। तो हम प्रेस करते हैं एंटर, तो फाइनल गेस हमारी क्वेरी जो है वो परफेक्टली रन हो चुकी है, जिसमें हम देखेंगे कि हम क्वेरी को कैसे रन कर सकते, आई मीन जेनरा में हम कैसे वो चीज़ कर सकते हैं कि हमारी कैटेगरी एक जेनरा में कितनी कैटेगरी है, ठीक है। तो जेनरा आईडी कैटेगरी आईडी इसी के नीचे हम एक और, पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इधर करता हूँ पेस्ट पेस्ट। अब वो इधर जेनरा आईडी की जगह हमें क्या डालना है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ कैटेगरी, एंड दूसरे जेनरा आईडी की हमें क्या डालना है,
नंबर ऑफ पोस्ट, देन कंट्रोल एस करना, अब इधर आना है हमें, और ओके इस टी डी के नीचे सबसे पहले तो हमें एक टी डी लगाना है, इतना ही रहेगा और बाकी तो नहीं है। देन इसके ऊपर हमें क्वेरी स्टार्ट करनी है, ठीक है। पहले इधर हम डॉट डाल देते हैं और इधर एक और टी डी बनाते हैं और इसमें भी डॉट डाल देते हैं, ठीक है। डॉट बेसिकली अभी एक रैंडम नंबर, रैंडम पॉइंट है, जस्ट फॉर फ्रंट एंड आउटपुट। तो इधर आगे रिफ्रेश करेंगे तो कैटेगरी, सॉरी इधर नहीं, जेनरा में जाना था। तो इधर हमारे जो नंबर ऑफ कैटेगरी, इधर हमारा बेसिकली आउटपुट हमें तीन चाहिए, तीन की चाहिए हमारी तीन कैटेगरी, और तीनों में जो आईडी है वो बॉलीवुड की ही है। तो इसको दोस्तों हम एक बार कस्टमाइज करेंगे हमने लास्ट वीडियो में, कि एडिट पैनल में जो हमारी कैटेगरीज हैं, हम कौन कौन सी कैटेगरीज चाहते हैं उधर, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ और भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो इधर नंबर ऑफ कैटेगरी हमें काउंट करानी है, तो इसके लिए हमारी दो क्वेरी लगेंगी, मतलब नंबर ऑफ कैटेगरी और नंबर ऑफ पोस्ट के लिए हमारी दो क्वेरी लगेंगी। तो आते हैं इधर, और इधर हम पीएचपी स्टार्ट करते हैं अपनी, और हर बार की लास्ट टाइम की तरह हम आईडी गेट करेंगे, सॉरी एक वेरिएबल बनाएंगे, क्या डॉलर आईडी इज इक्वल्स टू, हमारी आईडी क्या है, डॉलर रो और आईडी जो इसकी प्राइमरी आईडी। तो हमने इसकी प्राइमरी आईडी जो है एक आईडी वेरिएबल में ले ली है, ठीक है, जिससे कि हम लास्ट में बता सकते हैं कि कौन सी आईडी पे क्या चाहिए, ठीक है। देन इधर क्या करना है हमें, डॉलर क्वेरी लिखनी है और फिर सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सॉरी कैटेगरी एंड जेनरा, वेयर जेनरा डॉट आई डी इज इक्वल्स टू कैटेगरी डॉट जेनरा अंडरस्कोर आई डी, एंड जेनरा की जो प्राइमरी आईडी है वो बराबर हो किसके, डॉलर आईडी के। अगर ये ऐसा होता है, ये पॉसिबल है, तो क्या करें, इस क्वेरी को रन करा दे। तो एक रन वेरिएबल बनाओ एंड उसमें माई एस क्यू एल क्वेरी डाल के डॉलर कौन कनेक्शन पास कराए, फिर डॉलर क्वेरी क्वेरी पास कराई। अब माई एस क्यू एल की जगह हम क्या डालते हैं, माई एस क्यू एल आई, देन डॉलर क्या करना था, इफ कंडीशन लगानी है, इफ अगर हमारी ये रन हो जाती है तो क्या करे, वाइल लूप चला दे, और वाइल लूप में क्या करे, एक डॉलर रो नाम से वेरिएबल बना के, डॉलर रो इज इक्वल्स टू ओके डॉलर रो। अभी हमें एक और चीज़ इधर करनी पड़ेगी, जो कि हमें इसके जो वेरिएबल है जो हमने एज इट इज़ ऊपर भी यूज़ करे और नीचे भी यूज़ करे, तो उसके लिए हमें ये चेंज करने पड़ेंगे जो भी हमने वेरिएबल बनाया, क्योंकि मैं ज़्यादातर एक सेम वेरिएबल यूज़ करता हूँ इसलिए। तो हमें ये चेंज करने पड़ेंगे अभी, वो मैं बता दूँगा कैसे करने, क्या करना है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लास्ट वीडियो में हमने ये करा था। तो माई एस क्यू एल फैच फैच एसोसिएटिव एरे करना है, लेकिन माई एस क्यू एल के आगे हमें आई लगाना है, देन ओके हमारा इतना हो गया। फिर अगर हम डॉलर रो ब्रैकेट में हमें काउंट के आगे बताना है एक फील्ड नेम एज क्या करना है हमें, टोटल अंडरस्कोर कैटेगरी, ठीक है। टोटल कैटेगरी क्योंकि हमें टोटल पोस्ट भी चाहिए इसलिए हमने इसको अलग मेंशन करा है, तो इसको एको भी करना है, और यहाँ से इसको क्लोज भी करके इनमें फील्ड नेम देते हैं क्या, टोटल कैटेगरी, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, अगर रिफ्रेश करते हैं कि हमारा आउटपुट सही है, एक सेकेंड, ये आउटपुट में भी ये कैटेगरी भी हमारी भागने वाली है इधर से। ओके तो डॉलर रन हमारे कुछ प्रॉब्लम आई है, ओके ये डॉलर रन की तो प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर इसको क्लोज नहीं करा था, ठीक है, हमारी क्वेरी थी। लेकिन हम क्या करना है, डॉलर क्वेरी के आगे वन लगाना है, रन के आगे वन, इधर वन जो हमने अभी अभी वेरिएबल बनाया रन और रो के, तो उधर सब के आगे हमें वन वन लगाना है, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर वाली क्वेरी में भी सेम क्या कहते हैं वेरिएबल थे, तो वो सेम वेरिएबल पीएचपी बेसिकली नहीं ले पाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा वो भी, तो इसलिए हमने वन वन लगाया। तो इधर देखते हैं, इधर हमारा आउटपुट थ्री आ गया, जो कि हमारा यही चाहिए था हमें आउटपुट, कि हमारी तीन कैटेगरी, अब बस हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कैटेगरी में इसे पेस्ट कर देना है। तो वही करेंगे कि हम यहाँ से वाइल लूप को करेंगे ब्रेक, और
इधर से जो इसके दूसरे कोड है उन्हें हम क्या कहते हैं कॉपी करके क्या करेंगे टी डी के नीचे करेंगे, ठीक है। सिर्फ इस टी डी के नीचे करना है, दूसरे वाले टी डी के नीचे नहीं करना। और ये एको वाला, एको वाली जो हमने कमांड दी थी, सॉरी, ओके, तो इसको क्या करना, कंट्रोल एक्स करना और टी डी के अंदर आना। यहाँ हमने पहले डॉट दी थी डेमो पर्पस के लिए, तो इधर हमें क्या दे देना है उसको पेस्ट कर देना है। देन कंट्रोल एस करेंगे और इधर आके अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो इधर हमारा नंबर ऑफ कैटेगरी आ जाएगा 3, ठीक है। नंबर ऑफ कैटेगरी एडिटिंग और नंबर ऑफ पोस्ट चाहिए, लेकिन अभी हमें इधर एक और चीज़ देखनी कि हमारी कैटेगरी अपडेट भी होगी साथ साथ, कि अगर हम एक और कैटेगरी ऐड करें तो इधर 4 आनी चाहिए, ठीक है। तो कैटेगरी वाले सेशन में चलते हैं। और हाँ, एक और चीज़ हमें ऐड कैटेगरी वाला जो है उसमें एक और चीज़ हमें क्या करना होगा, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम है, लेकिन हमें ऐड अ कैटेगरी वाला, जो ऐड कैटेगरी वाला उसमें एक जेनर आईडी भी ऐड करनी होगी। तो इधर आते हैं और इधर ऐड कैटेगरी ये रहा, और इधर एक सिंपली सिंपल हम ये इनपुट को कर लेते हैं कॉपी, ओके, इसके आगे कर देते हैं पेस्ट। और इधर कैट की जगह हम डालते हैं जेनर आईडी प्लेस होल्डर में, तो मस्त से देखना पड़ेगा जेनर आईडी, ओके। देन इधर आते हैं, इधर हमें ये गेट करना होगा, डॉलर जेनर इज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ब्रैकेट में जेन आईडी, देन आईडी, ठीक है। देन इसको करेंगे क्लोज। अब इंस्टेंट टू जो कैटेगरी नेम है इसी के आगे हमें क्या करना है, ब्रेक कॉमा डाल के ये दो ले लेंगे कॉम, मतलब बेसिकली क्या यूज़ होता है मेरे को इसका पता नहीं है, एसक्यूएल देता है मैं तो वही मैंने यूज़ कर लिया है। तो इधर हमारा नाम क्या था, वो जेनरा आईडी था, जेनरा अंडरस्कोर आईडी। एंड इधर हमें इसको क्या करना है, बिना सिंगल कोट से देना है क्योंकि ये हमारा इंटीजर है इसलिए, तो जेनरा करके दे देंगे। देन हमारी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो गई। अब हमें क्या देखना है, नंबर एक और हम जो इसमें है और इसकी प्राइमरी आईडी डालेंगे, जो इसकी प्राइमरी इसकी नहीं जेनरा की जो हमारी प्राइमरी आईडी है वो हम डाल के देखेंगे कि इधर मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इधर आते हैं कैटेगरी नेम हम डालते हैं क्या, डांस, ठीक है, डांसिंग डाल, कैटेगरी आईडी 1 और जेनर आईडी भी 1, ठीक है। कैटेगरी आईडी ओके हम 4 डाल देते हैं और जेनर आईडी 1। देन हम ऐड कैटेगरी करते हैं, तो कैटेगरी हमारी सक्सेसफुली ऐड हो गई है। फिर ये जाएगा हमारा कैटेगरी वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, तो हमारा जो 4 है उसमें हमारी जो पोस्ट है वो 0 है, क्यों, क्योंकि हमने कोई भी पोस्ट अभी तक 4 वाले में ऐड नहीं करी है, ठीक है। या आप इधर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने पहले एक जो वो थी कैटेगरी वो हमने डिलीट करी थी, इस वजह से 3 के बाद सीधा 5 आ रहा है, और लेकिन कैटेगरी हमारी एज इट इज़ नंबर वाइज चल रही है तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। देन हम आते हैं जेनरा आईडी पे और इधर देखते हैं हमारी 4 हो जानी चाहिए थी, वो जो हमारी नंबर ऑफ कैटेगरी है, तो ओके ये भी हमारी 4 हो चुकी है। इट्स मीन हमारी क्वेरी जो काउंट वाली क्वेरी है सक्सेसफुली रन कर रही है। अब हमें काउंट करना है क्या, नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट काउंट करने के लिए हमने सब चीज़ें ऑलरेडी कर रखी थी, मतलब जैसे हमने इस बार फील्ड नेम वगैरह ऐड करा था कैटेगरी वाले में, तो इस बार वो नहीं करना क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा था। देन अगेन हम पीएचपी का कोड स्टार्ट कर करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पर क्लोज हुआ यहाँ पर ही कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूँगा, आपकी मर्ज़ी, आप अगर दोबारा करना चाहते हो कर सकते हैं। देन इधर भी एक वेरिएबल बनाएंगे आईडी 1 नाम से, मे बी, ओके, एक बार इसको एको करते हैं डॉलर आईडी। अगर हमारी ये आईडी प्रिंट हो जाती है इसकी तो हमारा मतलब फिर हमें दिक्कत नहीं होगी, दोबारा आईडी हमें नहीं लेनी पड़ेगी, तो क्या हमारी आईडी प्रिंट हो रही है इसमें हमें ये वाला वेरिएबल दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, कहेंगे ये वाला, ओके। तो आते हैं नीचे, देन हमें यहाँ सिम डायरेक्टली क्वेरी लिखनी है। अब क्वेरी क्या है, हमें यहाँ से उठानी होगी, तो सिलेक्ट काउंट फ्रॉम जेनरा एंड मूवी वेयर जेनरा की जो आईडी है वो बराबर हो
मूवी की डॉट जेंडर अंडरस्कोर आईडी से अभी ओवर देख लेते हैं। इधर फील्ड नेम ठीक है ही नहीं तो चलो यहीं चलते हैं ब्राउज़र में। भले ये थोड़ा धीरे चलते हैं इसलिए मैं सोच रहा था सब लाइन से, लेकिन चलो कोई नहीं यार, आपको भी थोड़ी समझने में आसानी होगी। तो इधर हमने जेंडर अंडरस्कोर आईडी दी है तो ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो वापस आते हैं इधर, तो जेंडर आईडी इज इक्वल मूवी डॉट जेंडर आईडी बराबर है एंड जेंडर डॉट इसकी जो प्राइमरी आईडी बराबर है 1 के, तो वो प्रिंट करा दो। तो हमारा बेसिकली आउटपुट आना चाहिए 2, मतलब 2 आना चाहिए आउटपुट। अब वो क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप इधर देख सकते हैं इधर हमारी जो जेंडर आईडी है उसमें सिर्फ 2 आईडी हैं जो 1-1 से हैं। अब वो 1-1 से क्या, हमारी बॉलीवुड और बॉलीवुड, लेकिन जो हमने एक डाली थी जो हमारी 7 नंबर की पोस्ट है जिसमें एवेंजर है, इसमें हमारे जो जेंडर आईडी है वो 2 डली है। तो 2 नाम से तो हमारे पास कोई जेंडर है ही नहीं, सिर्फ 1 नाम से है, तो इसलिए हमारी हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो एक बार इधर एंटर प्रेस करके देखते हैं कि हमारा 2 आ रहा है या नहीं। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ओके, हमारा आउटपुट जो है 2 आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो क्वेरी है वो रन हो रही है, ठीक है। देन इस क्वेरी को हम यहाँ लिखेंगे पीएचपी में, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम मूवी एंड जेनरा वेयर क्या चाहिए, जेनरा डॉट आई डी इज इक्वल टू मूवी डॉट जेनरा अंडरस्कोर आई डी एंड जेनरा डॉट आई डी इज इक्वल टू डॉलर आई डी। अब ये डॉलर आई डी दोस्तों हमने यहाँ से लिया, बेसिकली ये रहा डॉलर रो आई डी, क्योंकि हमने अभी प्रिंट करा के देखा था तो ये सक्सेसफुली रन कर रहा था, ये आई डी हमारी यहाँ भी प्रिंट हो रही थी, इस वजह से हमने वही आई डी यहाँ पर सेव दी। देन डॉलर रन करेंगे इज इक्वल्स टू माई एस क्यू एल क्वेरी डॉलर कौन कनेक्शन पास कर रहा है, देन डॉलर क्वेरी। लेकिन हमें इधर दोबारा एक चीज़ करनी पड़ेगी जो हम अभी से कर लेते हैं, ऐसे हमने जो क्वेरी लिखी है तो उसकी जगह 2 लिख देते हैं, रन की जगह भी 2 लिख देते हैं और इधर क्वेरी की जगह भी 2 लिख देते हैं, ठीक है। देन इफ अगर हमारी डॉलर रन 2, अगर ये वाली दूसरी क्वेरी हमारी रन होती है तो क्या करें, एक वाइल लूप चलाए ओके, डॉलर रो 2 नाम से जिसमें माई एस क्यू एल फैच एसोसिएटिव एरर डॉलर रन 2, ठीक है। देन हमें क्या करना है दोबारा से, जो हमने इधर मिस करा वो था क्या, इसका फील्ड नेम नहीं दिया तो वो देना टोटल अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है। देन इधर देना है एक्को डॉलर रो 2 ब्रैकेट में टोटल अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है। अब देखते हैं हमारी क्वेरी रन हो रही है ये नहीं, तो इधर आते हैं और इधर रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे इधर जो आउटपुट है वो 2 आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है, वरना देखते हैं क्या एरर आता है। तो हमारा जो एक एरर आया है इसका आया है ओके, तो ये इस वजह से है कि हर बार हम इधर माई एस क्यू एल की जगह आई माई एस क्यू एल आई लिखना भूल जाते हैं, तो अभी तो ये एरर है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ओके, हमारा 2 आ गया, इसमें हमारी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो रही है। देन दोबारा से इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे और इधर से पीएचपी स्टार्ट करेंगे और इसको करेंगे कंट्रोल एक्स, डॉट की जगह हम क्या करेंगे पीएचपी, और ये जो हमने इधर ब्रेक करा था इसको हम इस टीडी के अंदर कर देंगे, ठीक है। देन कंट्रोल एस करेंगे तो इधर नंबर ऑफ पोस्ट जहाँ हमारा डॉट लिखा है इधर 2 आ जाना चाहिए हमारा, तो ओके हमारा ये भी हो गया है। तो अभी तक हमारा जो जेनरा हमारा पूरा हो जाएगा, कि हमने 2 कैटेगरी की जेनरा में हमारी कितनी कैटेगरी है और जो हमारा जेनरा उसमें कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। और अगर हमें कैटेगरी देखनी है तो इधर जाके देख सकते हैं हम। तो अभी तक तो इस वीडियो में इतना ही है, अभी हम और कुछ देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। सपोज मूवी हम चाहें तो इधर भी व्यू डिटेल करके हम इधर भी देख सकते हैं कि हमारे कितने जेनर है, उसकी क्वेरी सेम होगी, तो इसलिए हमें मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि वो चीज़ें हम आगे इधर होम वाले में करेंगे। देन देखते हैं और कुछ हम कर सकते हैं, तो हम व्यू बाय कैटेगरी भी कर सकते हैं,
वो कैसे होगा, वो ये होगा कि जैसे इस कैटेगरी में नंबर ऑफ थ्रिल में हमारी वन पोस्ट है, तो वो कौन सी पोस्ट है ये भी हम देख सकते हैं। तो चलो वो भी हम इसी वीडियो में कर देते हैं। फिलहाल मेरा मन तो नहीं, मतलब मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ फिर भी, तो क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है। ठीक है, लास्ट, क्योंकि ये जो अभी तक की चीज़ है, लास्ट सेकेंड लास्ट वीडियो होगी आई थिंक एडविन पैनल की। मूवी वेबसाइट अभी हमने फ्रंट एंड नहीं करा, फ्रंट एंड में भी काफ़ी कोड्स आपको पता चलेंगे, जैसे आईडी वगैरह कैसे इनक्रिप्ट करते हैं और डाटा वगैरह कैसे फेच करते हैं विदाउट एनी लॉगिन एक्सेस। ठीक है, तो हम चलते हैं इसमें कैटेगरी आईडी में, और इधर एक टीएच के अंदर क्या करते हैं, इधर डालते हैं व्यू पोस्ट। ठीक है, व्यू पोस्ट, और इधर आते हैं हम एक और जैसे एक टीडी है, एक टीडी लेते हैं, और इधर एक एंकर टैग लगाते हैं क्या, व्यू पोस्ट डॉट पीएचपी, ब्रैकेट में वही हमें अगर इसकी आईडी देनी है तो आईडी इज इक्वल्स टू पीएचपी, क्वेश्चन मार्क आईडी पीएचपी, डॉलर रो ब्रैकेट में आईडी। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने क्या करा है, जो अभी तक हम एडिट वगैरह में करते हैं, तो हमने बेसिकली सेंकर टैग में इसकी आईडी कराई है, जो है व्यू पोस्ट करेगा एक फाइल में, व्यू मूवी। ठीक है, व्यू पोस्ट। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर व्यू बाय व्यू पोस्ट कंट्रोल एस करेंगे, इधर आके हम रिफ्रेश करते हैं, तो अभी ये सिंपल आएगा, कोई हमने कोई बटन की क्लास नहीं दी है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, और इधर आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि आईडी भी चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे 1 और 2 3 और 5, ठीक है, जो इसकी प्राइमरी आईडी है। देन इधर क्या करना है, हमें क्लास देनी है, क्लास btn हाइफन इन्फो, नहीं इस बार देते हैं क्या, सेकेंडरी भी हमने दे दिया है, तो सेकेंडरी की जगह हम क्या करते हैं, इन्फो कर देते हैं। ओके, इन्फो नहीं दिया था, तो अब इन्फो करके ये थोड़ा स्काई ब्लू टाइप हो जाएगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये हमारा थोड़ा स्काई ब्लू, इसका कलर डायरेक्टली मैं नाम नहीं पता, मैं तो स्काई ब्लू ही बोलता हूँ इसे। तो ये हो गया, अब हमें क्या करना है, इस पेज को क्रिएट करना है, लेकिन दोस्तों इस पेज का जो इंटरफेस होगा वो होगा कुछ हमारा ऐसा। ठीक है, ये जो हमारा मूवी वाला है, जो मूवी लिस्ट वाला पेज है, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर आएंगे सबलाइन में, एक न्यू फाइल बनाएंगे, किस नाम से, व्यू view पोस्ट डॉट php, view था, कंट्रोल शिफ्ट एस डब्ल्यू। ठीक है, सेव करेंगे व्यू पोस्ट। अब ओके, ये हमारा कहीं और सेव हुआ है मे बी, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा पहले, कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे, और हमें लोकल डिस्क सी में सेव करना है। अच्छा, वो मैंने पहले देख लिया, वरना मैं सच में घूम जाता है, इस चीज़ में बहुत घूमा हूँ मैं। तो एडमिन, देन इधर हमें व्यू पोस्ट करके सेव करना है, तो ये अब हमारी इधर फाइल आ गई। ठीक है, देन इधर हमें क्या करना है, मूवी लिस्ट वाला जो मूवी लिस्ट वाली जो फाइल थी कहाँ गई, ये रही, तो इस पूरे को हमें क्या कर लेना, कॉपी, और इधर न्यू पोस्ट में पेस्ट कर देना है। लेकिन इधर क्या है, हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड के लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मूवी की जगह हम क्या करते हैं, व्यू बाय कैटेगरी। ओके, हम क्या करते हैं, कैटेगरी का नाम डालते हैं इधर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्यू बाय नहीं, मूवीज इन। अब हमें क्या करना है, इधर पीएचपी एपी में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ करेंगे कैसे में, ये बेसिकली मेरे को नहीं पता कि कैसे होगा, मैं अभी क्वेरी खुद ब खुद बनाऊंगा, मुझे नहीं पता ये चीज़, मैंने अभी तक पहले नहीं करी थी कभी, लेकिन जस्ट मेरे माइंड में एक आइडिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना करा जाए। अब हम जब व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, तो इस कैटेगरी का नाम हम क्या करेंगे, इधर प्रिंट कराएंगे। ठीक है, मूवीज इन थ्रिलर टू ड्रामा डांस वगैरह वगैरह, तो इसमें यहाँ पेश कराएंगे, और इधर ऐड अ मूवी का बटन होगा, तो बटन हम नहीं डालेंगे। ठीक है, बटन चलो छोड़ो, बटन से हमें कोई लेना देना है, लेकिन ऐड अ मूवी जब करेंगे, तो उसमें कैटेगरी हमारी
हमें मैनुअली डालनी पड़ेगी कौन सी कैटेगरी है, वो हमारी खुद नहीं जाएगी क्योंकि जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। देन सर्च बटन, अब इसको ऐसे छोड़ देंगे। सर्च बटन की अभी हमारी पूरी क्वेरी रहे जो हम इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसकी भी काफ़ी थोड़ी लंबी और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी है। फ़िलहाल हमें क्या करना है इधर, ओके इधर तो सिंपली हमारा सिलेक्ट है, तो इसको हम बैक कर देते हैं, ये वाली कंडीशन को भी हम बैक कर दे सकें। तो अभी हमारी मूवीज़ को शो नहीं करेगी इधर, जहाँ पे अभी हमारा डाटा था ना सब जगह, दोस्तों मैं डॉट डॉट डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इमेज छोड़ देता हूँ बस, बाकी सब जगह मैं क्या करता हूँ डॉट, फिर इधर आते हैं इधर डॉट, और ARF में तो यहाँ लिंक है तो व्यू डिटेल वगैरह करते हैं, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये व्यू मूवी पे जाके ही फैच करा देगा। देन ओके इतना हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर आना है सबसे पहले, इधर हमें आईडी वगैरह लेनी होगी। इफ़ अगर हमारा क्या है, इज सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, अगर हमारे पास आईडी आ रही है गेट में तो क्या करें, एक वेरिएबल बनाए किस नाम से, आईडी नाम से, और उसमें क्या करें डॉलर अंडरस्कोर गेट ब्रैकेट में आईडी, ठीक है। फिर हमें डाटा फेच कराना है, लेकिन उससे पहले हम एक कंडीशन लगाएंगे वैलिडेशन के लिए, क्या है कि अगर आईडी उसे नहीं मिलती तो हेडर एक क्या करें लोकेशन उसको रिडायरेक्ट कर दे किस पे, कैटेगरी डॉट लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट डॉट PHP, CTEGORYLIST डॉट PHP, ठीक है। देन इसके बाद हमें एक क्वेरी लिखनी क्या, डॉलर क्वेरी, एक सेकेंड, SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, ओके एक सेकेंड, हमें यार थोड़ा देखना पड़ेगा, पहले पहले हमें कैटेगरी फेच करानी है, ठीक है। तो हमें कैटेगरी फेच करानी है पहले, तो वेयर आईडी इज इक्वल्स टू डॉलर आईडी, अगर हमारी ये फेच हो जाती है तो क्या करें डॉलर रन इज इक्वल्स टू MySQL क्वेरी डॉलर कॉन डॉलर क्वेरी, इफ अगर ये रन होती है तो व्हाइल लूप चला देगा डॉलर रो ब्रैकेट में आई सॉरी MySQL फैच एसोसिएटेड वेरिएबल डॉलर रन। तो इधर हमने क्या करा है, सिंपली हमने जो कैटेगरी वाला पेज था उसे हमने पूरा फैच करा है, जो कैटेगरी वाला टेबल है उसे फैच कराया है अभी, और इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करा। तो इधर आईडी क्वेरी वन रन वन क्वेरी वन रन वन, इसमें मे बी हमारी तीन क्वेरी रन होगी, तो एको करते हैं एक बार डॉलर रो वन ब्रैकेट में क्या देना है कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। देन कंट्रोल एस करेंगे और इधर आके हम एक बार व्यू पोज पे सीधा चलते हैं, तो इधर देखते हैं हमारे क्या क्या एरर आए हैं। तो अनएक्सपेक्टेड एरर 22 लाइन में, ओके देख लेते हैं, ये इसलिए क्योंकि हमने हेडर को यहाँ क्लोज नहीं करा। देन अब चल के रिफ्रेश करेंगे, तो अभी नीचे ये एरर आ रहा है 74 में, ओके ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इधर जो PHP था इसका ऊपर का कोड हमने हटा दिया है, और इधर ही इधर भी क्या कहते हैं थोड़ी इश्यू देगा जो हमारा नीचे के लिंक्स हैं। तो हम पूरे अभी कार्ड को जो है, ये कार्ड है हमारा, इसे हम क्या कर देते हैं कमेंट कर देते हैं। देन अब रिफ्रेश करेंगे, तो अभी हमारी इधर कैटेगरी का नाम लिखाना चाहिए बस, तो हमारा कोड तो रन हो गया। अभी इधर एरर देख लेते हैं क्या क्या है, ओके हमेशा का एक ही एरर जो कि आज तक मैं फिक्स पता नहीं क्यों इसमें हमेशा रह जाता हूँ। देन कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे, तो
ओके, हमारा थ्रिलर टू, क्योंकि हमारी आईडी बंद थी तो थ्रिलर टू आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको हटाना है, ठीक है, और इधर इसको स्टार्ट करना है। और इसको क्या करना, हमें सिंपली कंट्रोल एक्स करके सबसे नीचे पेस्ट कर देना है, ठीक है। कंट्रोल एक्स करा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इधर मूवीज इन, फिर यहाँ पीएचपी स्टार्ट करनी है, एको करना है डॉलर रो ब्रैकेट में कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। देन कंट्रोल एस करके इधर करेंगे रिफ्रेश, तो इधर आना चाहिए मूवीज इन थ्रिलर टू। अब देखते हैं इधर आता है ये नहीं। ओके, रो वेरिएबल नहीं, हमारा रो वन था। फिर इधर रिफ्रेश करेंगे तो ओके, मूवी इन थ्रिलर टू। अब हम एक और कैटेगरी और देख सकते हैं, सक्सेसफुली आ तो गया हमारा मूवी का नाम, ठीक है। तो इधर देखते हैं हम ड्रामा वाली, देखते हैं कि ड्रामा में आता है या नहीं। तो मूवीज इन ड्रामा, तो ये भी हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इधर आना है सबलाइम में, और इधर ओके, ये तो हमारे नेबार था ना, इसमें हमें एक हमें क्वेरीज लिखनी है, क्या कि डॉलर क्वेरी टू इज इक्वल टू। एक बार हम क्वेरी पहले इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो इधर हमें क्वेरी क्या बनानी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी एंड मूवी, वेयर मे बी हमें क्या देखना है कि इस जो आईडी आ रही है उसके बेस पे जो जो हमारी मूवी है वो शो करा दे। तो वेयर कैटेगरी ओके सॉरी मूवी डॉट कैट आईडी आईडी इज इक्वल्स टू टू। तो इधर हमारा कुछ दिक्कत आई है क्योंकि हमारी दो दो वीडियो कर रहा है। ओके, तो ये दिक्कत इसलिए आई है क्योंकि हमने इधर सिंपल से कर दिया, हमें इधर एक और चीज़ लगानी थी, कैटेगरी डॉट आईडी इज इक्वल्स टू मूवी अंडरस्कोर मूवी डॉट कैट अंडरस्कोर आईडी। अगर ये बराबर है और कैटेगरी आईडी वो है टू है तो ही है। दिक्कत आई है क्या, हमने इधर एंड नहीं लगाया, एंड लगाएंगे। तो इधर हमारी दो आई हैं बेसिकली, टू आईडी और टू, ठीक है। तो ये हमारी ठीक आई है क्वेरी, इसका मतलब हमारी क्वेरी जो है वो ये है क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी एंड मूवी वेयर कैटेगरी डॉट आईडी इज इक्वल्स टू मूवी अंडरस्कोर कैट सॉरी मूवी डॉट कैट अंडरस्कोर आईडी एंड कैटेगरी की जो आईडी है कैटेगरी डॉट आई डी इज इक्वल्स टू डॉलर आई डी। अब दोस्तों ये हमने आई डी कहाँ से ली, ये हमने आई डी ली है यहाँ से जो हमारी इसमें चल रही है, ठीक है। ये जो आई डी है हमारी इधर ओके, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो अगर ये ले लेता है आई डी गेट करता है तो क्या करे, इस क्वेरी को रन कर दे। क्वेरी वन दी है हमने और ऊपर क्या थी, एक सेकेंड, क्वेरी वन दी, तो इधर हमें क्वेरी टू देनी है, टू देनी है। तो डॉलर रन टू इज इक्वल्स टू माई एसक्यूएल क्वेरी डॉलर कॉन कॉमा देके डॉलर क्वेरी टू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब माई एसक्यूएल जो क्वेरी है इधर हम लगा देते हैं आई। अब इधर आना और इधर क्या करना है, हमें इफ कंडीशन चेक करनी है। अगर हमारी क्वेरी रन हो जाती है डॉलर रन टू, अगर हमारी ये क्वेरी रन होती है तो क्या करे, एक वाइल लूप चला दे, किस नाम से, डॉलर रो टू नाम से इज इक्वल टू माई एस क्यूएल आई फैच एसोसिएटिव एरे डॉलर रन टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एको डॉलर रो टू और इधर
मूवी, एक सेकेंड इधर देखते हैं, जो है हमारा कैटेगरी जनरल आईडी, आईडी कैटेगरी आईडी, तो हमारा सारे तो सॉरी गाइस थोड़ा मैं भटक गया था। देन इधर हमें क्या देखना है, मूवी, तो इधर कैटेगरी एम वी अंडरस्कोर नेम, तो हमें एम वी अंडरस्कोर नेम देना है इधर आउटपुट के लिए, तो एम वी अंडरस्कोर नेम, देन कंट्रोल एस करके अगर हम इधर रिफ्रेश करते हैं तो हमारा मूवी का नाम आना चाहिए। ओके पहले हम इधर आई लगा देते हैं क्योंकि एरर देगा वरना बाद में। देन इसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे, ओके तो हम रिफ्रेश करेंगे इधर, तो ये क्या आ रहा है, एक सेकेंड, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और इस कंटेनर में अगर हम पेस्ट करके देखें तो ये दोनों मूवी का नाम आ रहा है मे बी। ओके ये दो मूवी का नाम आ रहा है, एवेंजर और उसका, तो ये कैसे करना है हमें, इसको कैसे फिक्स करेंगे, एक सेकेंड देख लेते हैं। एको डॉलर रो मूवी नेम, वाइल लूप चल रहा है, देन मैंने एक वो करके देखा है, तो अभी टेस्ट कर रहा हूँ जस्ट कि ये वर्क करेगा ये नहीं, तो ओके ये वर्क कर रहा है। तो हमने इसको क्या कहते हैं यार, डॉट को जो भी कहते हैं, मैंने पहले वीडियो में काफ़ी बार देख कर एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं आता मेरे को, मे बी कुछ डॉट करके, मतलब प्लस का साइन होता है बेसिकली एक, अगर देखा जाए नॉर्मल लैंग्वेज में तो क्या कहते हैं एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता डॉट को, तो मतलब पता है अभी याद नहीं आ रहा। तो इधर हमने बी आर दिया तो ये आ गया है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं इसको हटाते हैं और इधर करते हैं इसको क्लोज, एंड इधर पी एच पी स्टार्ट करेंगे, देन इसी के अंदर हम क्या करेंगे कंट्रोल एक्स, और पहले तो एक बार इधर आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं और इधर आके जो हमने पी एच पी करा था इसको करके हम यहाँ कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब हमारा ये भी हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमने कमेंट करा था अनकमेंट करते हैं, डीकमेंट जो भी कह लो आप। तो इधर हमें सबसे पहले पी में हमने क्या दिया था, मूवी लिस्ट में देखते हैं, तो हमारी आईडी थी जो हमारा पी है, तो पी एच पी एक्को डॉलर रो ब्रैकेट में आईडी, ठीक है सॉरी इसमें देते हैं आईडी, देने से पहले एक बार देखते हैं किसकी आईडी आती है, तो नीचे तो भले ही शायद थोड़े एरर्स आएंगे अभी, क्यों आएंगे, क्योंकि हमने डॉलर रो दिया और उसमें पहले की भी कुछ चीज़ें इंक्लूड थी, तो इधर भी एरर ये है कि हमने रो दिया और बट जब इधर रो टू देना था, इधर भी रो टू दे देंगे अभी के अभी, उसको फिक्स कर देते हैं, जिधर हमने पहले रो दिया था उधर पर रो टू दे के आईडी दे देंगे, और इधर जो इमेज थी इधर भी हम रो टू देते हैं, ठीक है। देन कंट्रोल एस करेंगे और इधर करते हैं रिफ्रेश, ओके तो ये हमारा आ चुका है। अभी हमारी 7 आईडी आ रही है, 9 आईडी आ रही है, लेकिन ये कौन सी आईडी आ रही है 7 9 किस में, तो ये हमारी मूवी की आईडी आ रही है, ठीक है, जो हमारी एडिटिंग होनी चाहिए थी, तो ये अभी तक हमारी ठीक आ रही है। अब हमें क्या करना है इधर कार्ड टाइटल में हमें मूवी का नाम देना आई थिंक, ओके तो मूवी का नाम, मूवी डिस्क्रिप्शन, बस हमें इधर दो चीज़ करनी है, तो इधर पी एच पी देंगे एक्को डॉलर रो ब्रैकेट में एम बी अंडरस्कोर डी एस सॉरी मेटा डिस्क्रिप्शन देना ना, वो डी एस सी नहीं यार, पहले नेम देना था एम बी अंडरस्कोर नेम, और दूसरे वाले हमें मेटा डिस्क्रिप्शन देना है ये कोड लगा के, तो पी एच पी एक्को डॉलर रो ब्रैकेट में मेटा अंडरस्कोर डी ई एस सी आर आई पी टी आई यू एन, ठीक है डी ई एस सी आर आई पी टी आई यू एन। अब इधर डॉलर रो टू, डॉलर रो टू, ठीक है
देन कंट्रोलर्स करेंगे। अभी ये दोस्तों ऊपर नहीं जा रहा, तो इसको भी देखेंगे हम कि इसको बराबर में कैसे लाना है। तो फिलहाल हमारा एवेंजर मारो वगैरह आ गया। अगर हम व्यू डिटेल करके देखते हैं तो आई होप कि हमारी डिटेल्स पूरी आनी चाहिए। तो टेस्टिंग वाली हमने खोल के देखी है और इधर हमारी टेस्टिंग वाली आ रही है, क्योंकि ये पेज हमारे ऑलरेडी पहले बना रखा था। तो ये तो आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें इसको साइड बाय साइड लाना, तो इधर देख लेते हैं एक बार। रो कोल MD2, ओके। तो ये हमें एक डिव के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा इस वाली के, मैन कंट्रोल एस करेंगे। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं, सो बूम गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी 79 हमारी IDT चली गई। अगर हम देखते हैं इधर कैटेगरी में जाते हैं, और इधर हमारी क्या है, ड्रामा वाली में हमारी दो, सॉरी ड्रामा वाली अभी देख रहे थे, थ्रिलर वाली में हमारी एक कोई मूवी पड़ी। अब देखते हैं वो कौन सी पड़ी है, तो वो हमारी में भी टेस्ट की होगी, ठीक है। तो टेस्ट की ही है ये, और पहले हमारी 7 और 9 आ रही थी, इस बार 8 आ रही है। तो हम इस तरह से हम मूवी भी कैटेगरी के वाइज देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतने, काफ़ी लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला, मेरी मेहनत थोड़ी बहुत अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ मज़ा आ रहा है सीखने में और समझ अच्छे से आ रहा है, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। फिलहाल मेरे को पता है यहाँ से 10 सेकंड इसके बंदे कर ही देते, नहीं करा तो यार थैंक यू आपके इसके लिए। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो।